अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यासिन फैसल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के नए फीचर्स और अपडेट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप लेकर आया है बिल्कुल न्यू फीचर्स और अपडेट्स अपने यूजर के लिए। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि वो फीचर्स कौन से हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई वक्त जाया किए। दोस्तों कुछ बातें आपको बता दूं कि व्हाट्सएप ये काम क्यों कर रहा है, ये फीचर्स क्यों लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि व्हाट्सएप बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है ट्विटर को। जिस तरह ट्विटर एडवांस हो रहा है अपने फीचर्स न्यू लेकर आ रहा है, इसी तरह व्हाट्सएप स्नैपचैट और दूसरे प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो यूजर्स हैं ज्यादा से ज्यादा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, जिस जो कि जीबी व्हाट्सएप या एफएम व्हाट्सएप है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसीलिए व्हाट्सएप भी चाहता है कि जो यूजर्स हैं वो वापस व्हाट्सएप पर आएं और वो फीचर्स को लेकर आ रहे हैं। और आपने नोट किया होगा कि व्हाट्सएप वाले जीबी व्हाट्सएप और एफएम व्हाट्सएप के नंबर भी बैन कर रहे हैं, क्योंकि वो इसी वजह से कर रहे हैं कि यूजर वापस व्हाट्सएप पर आ जाएं। फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर जो फीचर है वो है एडेड मैसेज का। दोस्तों पहले हम किसी को मैसेज सेंड करते थे तो हमें अगर उसकी में कोई मिस्टेक होती थी तो उसे डिलीट एवरीवन करना पड़ता था, फिर से दोबारा मैसेज लिखना पड़ता था। तो इसको व्हाट्सएप वालों ने आसान कर दिया है। अब आपने मिस्टेकली कोई मैसेज सेंड कर भी दिया है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। आपने सिंपल एडिट पर क्लिक करना है और जो आपका मैसेज है उसे आप करेक्ट कर सकते हैं, अपनी कलेक्शन कर सकते हैं। आपको दोबारा मैसेज डिलीट करके लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं व्यू वंस फोटो। सबसे पहले ये अपडेट आई थी कि आप किसी को कोई फोटो सेंड करती हैं तो एक दफा ही वो उसे ओपन करता था, उसके बाद वो ओपन नहीं होती थी, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती थी। अब ये ऑडियो पर भी आ गया है, जो वॉइस आप करते हैं इस पर भी वंस व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। बहुत जल्द ये वर्जन आ रहा है, आपने अपडेट कर लेनी है अपनी व्हाट्सएप को। जल्द से जल्द इसको अपडेट करें, जब भी नया वर्जन आए उसे अपडेट जरूर करें। तो व्यू वांस ऑडियो, अगर आप किसी को ऑडियो सेंड करते हैं, अगर उसमें कोई प्राइवेसी है तो आप व्यू वांस के लिए सेंड कर सकते हैं, व्यू वांस के तौर पर उसे सेंड कर सकते हैं कि एक दफा ही वो आपकी ऑडियो को सुनेगा, उसके बाद वो ऑडियो को सुन नहीं सकता, ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगी। ये बहुत ही उम्दा अपडेट है और खास तौर पर जो बिजनेस करते हैं या जिनकी कोई प्राइवेसी इशू है उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो थर्ड नंबर पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं लॉक चैट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वाला फीचर आपने देखा होगा जीबी व्हाट्सएप और एफएम व्हाट्सएप में, लेकिन व्हाट्सएप इसे लेकर आ रहा है अपने प्लेटफॉर्म पर, जो कि यूजर अपनी किसी भी चैट को सेपरेटली लॉक कर सकता है। अगर कोई प्राइवेट है तो उसे आप स्पेशली तौर पर लॉक कर सकते हैं, उसको आप लॉक में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही उम्दा व्हाट्सएप का अपडेट है। तो फोर्थ नंबर पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों ब्लू टिक के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जो वेरीफाइड आईडी होती है, वेरीफाइड कॉन्टैक्ट होता है, उसके साथ एक ब्लू टिक लगी होती है। मिसाल के तौर पर टिकटॉक पर अगर कोई टिकटॉक स्टार है, बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसकी आईडी पर ब्लू टिक लगी होगी, आपने देखा होगा। इसी तरह अब व्हाट्सएप भी लेकर आ रहा है इस चीज को कि जो वेरीफाइड कॉन्टैक्ट होगा, वेरीफाइड जो आईडी होगी उसके साथ एक टिक लगी होगी। खासतौर पर जो बिजनेस व्हाट्सएप यूज करते हैं और बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि जब जो वेरीफाइड होगा व्हाट्सएप की तरफ से तो उसके लिए बहुत ही इजीली हो जाएगा बिजनेस करना। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं फिफ्थ नंबर पर व्हाट्सएप का जो नया फीचर है स्क्रीनशॉट डिसेबल का। दोस्तों अब कोई भी आपकी चैट का, आपका जो भी डाटा है उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। अगर वो किसी और मोबाइल से आपकी फोटो ले ले वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी चैट का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। अगर आप व्यू वांस भी सेंड करते हैं ना, होता है ना ये कि आप व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं फोटो व्यू वांस, लेकिन वो बाद में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, लेकिन वो स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकता व्यू वांस के तौर पर, कि वो आपका डाटा है, वो आपकी प्राइवेसी है, इसके बाद वो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। ये बहुत ही अमेजिंग अपडेट है, व्हाट्सएप को इसको जरूर लेकर आना चाहिए और ये आने वाले दिनों में जरूर आएगी। और सिक्स्थ नंबर पर हम दोस्तों बात कर लेते हैं जो कि लास्ट अपडेट है, वो ये है कि आप अपने व्हाट्सएप को मुख्तलिफ डिवाइसेस पर यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप लैपटॉप पर भी वही व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, आप आईफोन पर भी वही व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं और अपने एंड्रॉइड पर भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप एक मोबाइल पर ना यूज करें, आप डिफरेंट डिवाइसेस यूज करते हैं, तो आप डिफरेंट डिवाइसेस पर भी उसे कनेक्ट कर सकती हैं। इसका भी ऑप्शन मौजूद होगा आपके व्हाट्सएप में। आने वाले दिनों में बहुत ही उम्दा और एडवांस होने वाली है व्हाट्सएप और ये बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मजीद अपडेट्स और ट्यूटोरियल आपके पास लेकर आता रहूंगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
ताकि हमारी मुलाकात होती रहे और एक दूसरे को ग्रो करने में हम एक दूसरे का साथ दे सकें। तो अभी तक यही था।